Good evening, dear learners. So today we are going to study part number 3 of pronoun. So I'm going to teach you about relative pronouns. So without any further delay, let us start today's topic. Just give me 1 second only. Let me share that particular screen with you. First and foremost, let us start with the definition. What do you mean by relative pronoun? What do you mean by relative pronoun? Okay. A word which creates a relation of its antecedent with the rest of the sentence or clause. मतलब एक ऐसा वर्ड जो होता है वो क्या करता है, एक रिलेशन क्रिएट करता है अपने एंटीसिडेंट का दूसरे पर्टिकुलर सेंटेंस या क्लोज के साथ. ओके, अगर जस्ट इमेजिन करें, जैसे मैं बोलता हूं राम इज अ बॉय हु कम्स लेट. मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा हु कम्स लेट. सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस Who has been used as a relative pronoun? और relative pronoun से आगे वाला जो word होता है वो आपका antecedent कहलाता है. या तो वो noun होगा या वो pronoun होगा, वो आपका antecedent कहलाएगा. ठीक है, ये अब यहाँ पर आपका antecedent क्या हुआ, boy हो गया. And verbs should agree according to the antecedent. Verb हमेशा antecedent के हिसाब से use होती है. अब boy है, boy singular है, तो यहाँ पे हमने singular verb लगा दी. तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुआ, हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. अब ये जो बॉय है जो कि एंटीसिडेंट है, इसका रिलेशन मतलब बाद वाले सेंटेंस के साथ कम्स लेट, इसके साथ रिलेशन को क्रिएट करता है, वो शब्द क्या कहलाएगा, एंटीसिडेंट कहलाएगा. अब जो हु है, इस एंटीसिडेंट बॉय का रिलेशन बाद वाले क्लॉज के साथ और सेंटेंस के साथ क्रिएट कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं. सो नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हु की अगर हम बात करें तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, जो कि एक सब्जेक्ट की तरह यूज होता है. हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसको. हुम जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है. दैट जो होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज किया जा सकता है. हुज जो कि आपके पोजीशन को शो करता है, कहीं ना कहीं जो आपका ओनरशिप है उसको शो करता है, ये पोजीशन को शो करेगा आपका. व्हाट भी एक तरह से व्हाट भी आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो विदाउट एंटीसिडेंट आता है, इसको डिटेल में करेंगे अभी हम. विच ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन विच इज जनरली यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. नॉर्मली आपका जो विच है वो नॉन लिविंग थिंग्स को बताने के लिए यूज किया जाता है. Now let us start in detail. So, who? First relative pronoun is who. देखिए मैंने बताया who जो होता है normally वो subject के place पे आता है, normally subject के place पे. और जो relative pronoun होते हैं एक तरीके से connector का काम भी करते हैं, ये एक तरीके से conjunction का भी काम करते हैं एक तरीके से, because they connect two clauses or two sentences. देखिए आप, She is my sister, she teaches English. ये अब एक सेंटेंस नंबर 1 हो गया, ये सेंटेंस नंबर 2 हो गया. एंड इफ आई आस्क यू टू मेक वन सेंटेंस आउट ऑफ दिस टू सेंटेंस, तो मैंने क्या किया, शी इज माई सिस्टर हु टीचेस इंग्लिश. अब देखो, अब ये हु किसके प्लेस पे आया, शी की जगह मैंने क्या कर दिया, हु यूज कर दिया. तो जो हु होता है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है. ठीक है, हु किसके प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा. अब यहाँ पे हु क्या हो गया आपका, हु हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन से आगे वाला जो वर्ड होता है उसको आप बोलते हैं एंटीसिडेंट. क्या बोलते हैं इसको, एंटीसिडेंट. इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका एंटीसिडेंट क्या है, सिस्टर है. क्या है, सिस्टर. एंटीसिडेंट आपका हो गया सिस्टर. अब सिस्टर आपका सिंगुलर है तो वर्ड भी सिंगुलर ही आनी चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे टीचेस है, ये सेंटेंस हुए करेक्ट. शी इज माई सिस्टर हु टीचेस इंग्लिश. अब ये जो हु है, जो हमारा एंटीसिडेंट सिस्टर है, उसका रिलेशन ये बाद वाला जो सेंटेंस है टीचिंग इंग्लिश के साथ क्रिएट कर रहा है. तो जो हु है वो किसके प्लेस पे आता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है. अब इन दो सेंटेंसेस को मिलाकर मैंने क्या कर दिया है, मैंने कनेक्ट कर दिया. देखिए अगर मैं इसकी जगह शी को छोड़कर हु लगा दूं और इसको एक सेंटेंस कर दूं, शी इज माई सिस्टर हु टीचिंग इंग्लिश,
शी क्या था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आ गया, हु आ गया, राइट। तो अब ये हु एज ए कंजेक्शन भी तो काम कर रहा है ना, बिकॉज हु इज कनेक्टिंग टू पर्टिकुलर सेंटेंशियल, यहाँ पे कंजेक्शन का काम भी कर रहे हैं। सिमिलर एक्चुअली आई मेट एन ओल्ड मैन ही वॉज ब्लाइंड, अब ये सेंटेंस नंबर वन हो गया, ये सेंटेंस नंबर टू हो गया। अगर हु को ही को हटाकर मैं, क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्ट है और लिविंग के लिए हम हु का यूज कर लेते हैं, तो इस वजह से हु को शी को हटाकर मैं यहाँ पर अगर ही यूज ही को हटाकर मैं यहाँ पे हु लिख दूं, तो बाद वाला सेंटेंस क्या बचेगा, यही तो बचेगा, आई मेट द ओल्ड मैन हु वॉज ब्लाइंड, हु वॉज ब्लाइंड। तो हु यहाँ पर क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ओल्ड मैन क्या हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर ही आएगी। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम इज ब्रदर, ही पास्ड IAS। अब ये हु सब्जेक्ट है, अगर मैं इसको कहूँ एक सेंटेंस बनाना है, इसकी जगह अगर हु यूज करते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा, यही बनेगा ना, राम इज हिज ब्रदर हु पास्ड IAS, राइट, दिस इज करेक्ट आंसर। तो इन माय डियर स्टूडेंट, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन विच इज यूज फॉर ह्यूमन बींग्स। पहले हु हम किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं, और हु के बाद हमेशा हु किसके प्लेस पे आता है, हु हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, और नॉर्मली हु के बाद आप हमेशा वर्ब यूज करते हैं, ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है आपका, एंड इट इज यूज फॉर ह्यूमन बींग्स, राइट। मूविंग ऑन, अब आता है हुम। देखिए हुम क्या करता है, अगर हु आपका सब्जेक्टिव होता है, हु अगर आपका सब्जेक्टिव है तो हुम आपका ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आता है। हुम किस पे आएगा, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आएगा, हु सब्जेक्टिव प्लेस पे आता है, हुम ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आता है। देखे सकते हैं, शी इज माई सिस्टर, आई लव हर विद होल हार्ट। अब देखो इस सेंटेंस में आई तो सब्जेक्ट हो गया, हर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक सेंटेंस को देखो, नीचे वाले सेंटेंस को, शी इज माई सिस्टर हुम आई लव विद ऑल हार्ट, यानी हर की जगह हमने क्या यूज कर लिया, हुम यूज कर लिया, क्योंकि हुम किसके प्लेस पे आता है, ऑब्जेक्ट, और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हुम किसको रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पर हर था पहले वाले सेंटेंस में, लेकिन इस हर की जगह हमने हुम को लिख लिया है। हुम क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्टिव प्लेस को शो कर रहा है। शी इज माई सिस्टर हुम आई लव विद ऑल हार्ट, यहाँ पर हुम क्या हो गया आपका, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और हुम से पहले आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर है, सिस्टर है, तो सिस्टर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही आएगी उसके हिसाब से, राइट। सिमिलर, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, माई सिस्टर टीचेस हिम, माई सिस्टर टीचेस हिम इंग्लिश। अब इस हिम की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, हुम रिप्लेस कर दिया। देखिए, ही इज द इंटेलिजेंट बॉय हुम माई सिस्टर टीचेस इंग्लिश। अब यहाँ टीचेस से हिम निकालकर हमने किसकी जगह ले लिया इसको, हुम की जगह पे ले लिया, किसकी जगह ले लिया हमने इसको, हुम की जगह पे ले लिया, तो ये क्या हो गया आपका हुम, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हो गया, राइट। ही इज द बॉय हुम आई मेट इन द पार्टी। देखिए अब ये जो हुम है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये एंटीसीडेंट हो गया आपका, ठीक है, वर्ब उसके हिसाब से यूज की जाएगी फिर आपकी, राइट, तो ये आपका क्या हो गया, आपका हुम के केस में हो गया। नाउ लेट मी टेल यू सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम। देखो फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो हु है वो आपका सब्जेक्टिव के प्लेस पे आता है, और जो हुम होता है वो आपके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। जनरल स्ट्रक्चर अगर मैं बात करता हूँ तो हु के बाद हमेशा वर्ब मिलती है आपको, और हुम के बाद आपको क्या मिलता है, हुम के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद वर्ब मिलेगी, और उसके बाद जो भी है, ठीक है, सब्जेक्ट है, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस जो भी है। अगर एक सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हुम है, हुम क्या हो गया आपका, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उसके बाद ये देखो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ये वर्ब आ गई आपकी, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आ गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये, राइट। तो हु के बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा, हु के बाद हमेशा आपको सब्जेक्ट मिलेगा, और हुम के बाद आपको क्या मिलेगा, सॉरी हु के बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा, हु यूज किया जाता है सब्जेक्ट के प्लेस पे, और हु के बाद हमेशा आपको वर्ब मिलती है सीधी, हुम के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलती है, ये होते हैं, हु यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे और हुम यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। इस सेंटेंस को भी देखते हैं, द बॉय वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लेंट हिम मनी। देखिए आई लेंट हिम मनी, अब ये हिम जो यूज किया है
देखिए यहाँ पे whom के लिए यूज कर लिया मैंने, द बॉय whom आई लेंट मनी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. अब ये whom किसको रिप्लेस कर रहा है, him को रिप्लेस कर रहा है जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है. लेट्स मूव ऑन विद नेक्स्ट एग्जाम्पल. देखिए आप जनरली अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको. देखे हु क्या होता है, हु सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है, होम जो होता है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होता है. ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया है जो अभी नहीं किया था. हु के बाद नॉर्मली जो स्ट्रक्चर जो होता है, हु के बाद जो नॉर्मली स्ट्रक्चर जो होता है, हु के बाद आपको मिलता है वर्ब मिलती है, और होम के बाद नॉर्मली आपको क्या मिलता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलती है. ये आपका कॉमन स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, नाउ वट एग्जैक्टली हैपन्ड माई डियर स्टूडेंट. देखें हु इन प्लेस ऑफ होम, अभी आपको सेंटेंस में ना एक कंफ्यूजिंग सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें आपको एग्जैक्टली ये लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, देखो होम का क्या स्ट्रक्चर है, होम के बाद आप सब्जेक्ट यूज करते हैं फिर वर्ब यूज करते हैं, तो आपको ये लगेगा कि वहां पर होम करेक्ट है, बट दिस इज इनकरेक्ट इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. अब बताता हूँ कैसे. देखें शी इज माई सिस्टर होम दे से टीचेस इंग्लिश. अब आपके दिमाग में ये आएगा कि देखो ये होम जो है, ठीक है, होम आ गया, और होम के बाद हमेशा स्ट्रक्चर किस चीज का फॉलो करते हैं, होम के बाद हम फॉलो करते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, है ना. तो होम आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गई, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया. बट माय डियर स्टूडेंट दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस. व्हाई सो, बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस है थ्री पर्टिकुलर क्लॉजेस. इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर तीन क्लॉजेस है. देखिए कौन कौन से क्लॉज, एक तो ये हो गया शी इज माई सिस्टर, ये एक क्लॉज हो गया, ठीक है, एक क्लॉज ये हो गया. दूसरा है दे से, होम को छोड़ देते हैं एक बार हम, दे से सेकंड क्लॉज हो गया, और ये थर्ड क्लॉज हो गया शी टीचेस इंग्लिश. ठीक है, शी टीचेस इंग्लिश, ये थर्ड क्लॉज हो गया आपका. अब जनरली क्या होता है, अब हमें ऐसा लग रहा है कि होम यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अगर हम इस पर्टिकुलर दे को, दे से को छोड़ देते हैं. इट इज जस्ट पुट जस्ट बिकॉज टू क्रिएट सम कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स. ये जो होम दिया गया ना यहाँ पे, ये दे से जो दिया गया है, अगर हम इसको एक सेकंड के लिए इग्नोर करते हैं, ये सिर्फ कंफ्यूजन देने के लिए होता है. अगर हम इसको एक सेकंड के लिए इग्नोर कर दें, बाकी सेंटेंस देखो, शी इज माई सिस्टर होम टीचेस इंग्लिश, तो ये क्या होम टीचेस तो नहीं होता ना. यहाँ पर क्या आना चाहिए, होम तो सब्जेक्ट लेता है फिर वर्ब लेता है, और हु के बाद सीधी वर्ब आती है, तो यहाँ पर हु इज द करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये जो बीच वाला जो क्लोज डाल दिया जाता है, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफ्यूजन होंगे, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफ्यूजन. अब होम दे से, अगर दे से को हम छोड़ देते एक सेकंड के लिए, शी इज माई सिस्टर होम टीचेस इंग्लिश, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हु के बाद तो सीधी वर्ब आती है, और हु के बाद सीधी वर्ब आती है तो टीचेस आपकी सीधी वर्ब हो गई, तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर हु है ना कि होम है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होम वी हैव टू राइट हु. सिर्फ ये जो दे से है कंफ्यूजन के लिए है. नाउ मूव ऑन विद नेक्स्ट एग्जाम्पल. देखें यहाँ पे मैंने ये करेक्ट आंसर लिखा, शी इज माई सिस्टर हु दिस से टीचेस इंग्लिश, वही सेम मैंने यहाँ पे बताया था अभी आपको. नेक्स्ट वो देख लेते हैं, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड हुम यू मेट वॉज इन ग्रेव प्रॉब्लम. एक फ्रेज ये हो गया, सेकेंड यू मेट हो गया, थर्ड ही वॉज इन ग्रेव प्रॉब्लम, मालूम ये थर्ड फ्रेज क्लोज हो गया आपका. अगर मैं इस पार्ट को छोड़ दूँ, वर्ड इग्नोर करने के लिए दिया जाता है, ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया जाता है. सिर्फ ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड हुम वॉज इन ग्रेव प्रॉब्लम, हुम वॉज तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हुम के बाद तो अब हुम तो आ नहीं सकता है. क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सीधी वर्ब दी है, और वर्ब से पहले तो आपका हु आना चाहिए. सो माई डियर स्टूडेंट ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड हु यू मेट वॉज इन ग्रेव प्रॉब्लम. तो इस तरह के सेंटेंसेस में जैसे आपको दे से दे दिया, ठीक है, यू मेट दे दिया, तो एक छोटा सा क्लोज धक्के से बीच में डाल दिया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट सम कंफ्यूजन. और अगर हम उस पर्टिकुलर फ्रेज या क्लोज को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, एक बार अवॉइड करके चलते हैं, तो ये पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो जाती है आपको. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हु आना चाहिए था. सिमिलर यहाँ पर भी हु ही आना चाहिए था. देखे ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ फ्रेंड मिसिंग है, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड Who you met was in grave problem. देखे अभी you met तो क्या एक तरह से अगर आप इसको avoid करते तो who क्या हो गया, relative pronoun हो गया,
और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका एंटीसिडेंट आ गया, फ्रेंड सिंगुलर है तो वर्ब भी आपके क्या आ गए, वॉज आ गया. आई होप यू आर एंजॉइंग एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द सेशन. लेट्स मूव ऑन विद नेक्स्ट एग्जाम्पल. देखिए, द बॉय हुम आई लेंट मनी विल नेवर गिव मी बैक. द बॉय हुम आई लेंट मनी विल नेवर गिव मी बैक. अब देखो यहाँ पे जो हुम यूज हुआ है ये जो क्या है, ये रॉन्ग हुआ है, क्योंकि इसके जगह पे क्या आना चाहिए था, आपका हु आना चाहिए था. देखो, द बॉय हु लेंट आई मनी, द बॉय हु आई लेंट मनी विल नेवर गिव मी बैक. सो इन शॉर्ट माय डियर स्टूडेंट, आई वांट टू टेल यू, जब आपको थ्री क्लोजेस दे दी जाती है एक सेंटेंसेस के अंदर, तो सेकेंड वाला जो क्लोज होता है आपका नॉर्मली वो सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए होता है. सीधा आप उसको हु के साथ कनेक्ट करो. मतलब तो फर्स्ट क्लोज के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया है उसको सीधा थर्ड के साथ कनेक्ट करो, सेकंड वाले क्लोज को एक बार के लिए अवॉइड करके चले, एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी विल बी क्लियर टू यू. जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया था, अब मैं इसको एक बार इग्नोर कर रहा हूँ, वही तो चीज बता रहा हूँ ना आपको. देखो हुम दिस से इसको इग्नोर करते हैं, तो अभी देखिए फर्स्ट क्लोज हो गया, ये आपका थर्ड क्लोज हो गया, सेकेंड क्लोज के बाद इग्नोर करते हैं. अब ये हुम है, अब पढ़ के देखो. She is my sister whom teaches English. तो ये तो नहीं बनेगा ना, तो इस तरीके से यहाँ पे who आएगा. Whom is putting or this particular clause is putting to create confusion in the mind of the students only. I hope this concept is clear to you. And this is very, 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 very important concept. Moving on, that it's very interesting. My dear student, that is a particular relative pronoun which can be used for living and non-living, both. सबसे पहले that का use हम करते हैं superlative degree के अंदर. देखें, generally हम क्या use करते हैं? He is the wisest boy who can solve this problem. हालांकि boy क्या है? Living है, तो living के साथ हम क्या use कर लेते हैं? Who use करते हैं? लेकिन इस particular sentence में who गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि who, क्योंकि यहाँ पर आपका superlative degree दिया गया. Wisest boy. और जब आपका superlative दिया जाता है तो instead of writing who, we have to use that. तो होना क्या चाहिए था? He is the wisest boy that can solve this problem. तो इस वजह से ये sentence correct था. Similar, the worst. It is the worst movie which I have ever seen. Non-living के लिए आप which use कर लेते हैं. लेकिन क्योंकि यहाँ पर superlative दिया the worst. Bad, worse, worst. तो superlative हो गया. Superlative हो गया तो which की जगह पे क्या आ जाएगा? That आ जाएगा. तो फर्स्ट रूल सेज, अगर आपका सुपरलेटिव दिया गया है तो सुपरलेटिव केस के अंदर हु और विच की जगह आप किसको रिप्लेस करेंगे? दैट को लिखेंगे. नंबर टू टाइप ऑफ दिस एग्जांपल, द सेम. अगर आपको किसी भी सेंटेंस में द सेम वर्ड मिलता है, द सेम, तो वहां पर भी आपको दैट ही यूज करना होता है. देखें, ही इज द सेम बॉय हु सिक्योर फर्स्ट पोजिशन इन डांस कॉम्पिटिशन. हालांकि हु किसके लिए यूज किया जाता है? हु यूज किया जाता है लिविंग के साथ. अब हु लिविंग तो है, बट इससे पहले एक फ्रेज दिया गया है, द सेम बॉय, द सेम. जब आपको एक सेंटेंस में द सेम फ्रेज मिलता है तो वहां पर हु की वजह हम क्या यूज कर लेंगे? दैट यूज कर लेंगे. सिमिलर, ही इज द सेम बॉय दैट, अब दैट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजिशन इन डांस कॉम्पिटिशन इज द करेक्ट आंसर. अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें हम, She is the same girl who met in the train. अब देखो यहाँ पर the same आया है, तो यहाँ पर that आना चाहिए आपका. This is the same watch which was gifted. अब which क्या है? वैसे तो non-living के साथ होता है, लेकिन इससे पहले आपका the same use किया गया है, तो यहाँ पर which की जगह क्या आ जाएगा? That आ जाएगा. तो sentence correct क्या हो जाएगा? This is the same watch that was gifted to me by my father is the correct answer. Right? तो पहला क्या, अगर सुपरलेटिव डिग्री आता है तब आपको दैट लगाना है, और द सेम आ जाता है तभी आपको दैट ही लगाना है इंस्टेड ऑफ राइटिंग हु और विच. इसके बाद देखो, पहले मैंने सुपरलेटिव बताया, सेकंड नंबर पे द सेम बताया, थर्ड नंबर पे अगर आपको ये वर्ड मिलता है, ये फ्रेज मिलता है द सच, तो वहां पर भी आपका दैट ही लगेगा. देखे, इंडिया इज द सच कंट्री दैट या विच नेवर सपोर्ट्स टेररिज्म. अब इससे पहले दो सच वर्ड लग गया है, तो यहाँ पर दैट ही लगना चाहिए आपका. तो करेक्ट आंसर आ जाएगा,
इंडिया इज द सच कंट्री दैट नेवर सपोर्ट्स टेररिज्म. देखें तो ये करेक्ट आंसर हो गया. सिमिलर शी इज द गर्ल, शी इज द सच गर्ल हु. अब ये देखो हु वैसे नॉन लिविंग के लिए यूज कर लेते हैं राइट, बट इससे पहले द सच वर्ड दिया है तो यहाँ पर दैट लगना चाहिए. देखो इस सेंटेंस में दैट यहाँ पे करेक्ट है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, शी इज द सच गर्ल दैट हेल्प्स द नीडी. ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो अभी तक मीन्स जब आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, द सेम की बात करते हैं और द सच की बात करते हैं, तो वहां पर हु या विच की बजाय हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे. क्लियर. मूविंग ऑन. देखें अब कई लाइक यू नो इन सम टाइम इन वन पर्टिकुलर सेंटेंस लाइक यू हैव बीन गिवन टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. वन इज लिविंग, अनदर इज नॉन लिविंग, और वन इज लिविंग, अनदर इज नॉन ह्यूमन. ओके, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, जैसे लिविंग के लिए तो हम मतलब अगर इंसान की बात करें तो वहां पे हु यूज करते हैं हम, और एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो वहां उनके लिए हम विच यूज कर लेते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे हु यूज कर रहे हैं, अब एक ही सेंटेंस में अगर दोनों ही सब्जेक्ट दे दिए जाए. देखो माई फादर एंड हिज डॉग, अब माई फादर तो लेगा हु आपका क्योंकि लिविंग है, डॉग एनिमल है तो वो लेगा विच आपका. अब प्रॉब्लम ये आ गई कि हमें यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन से यूज करें. माई फादर एंड हिज डॉग या तो हु या विच आर यूजली सीन टूगेदर डिड नॉट अटेंड द पार्टी यस्टरडे. ठीक है, तो मतलब नॉर्मली अब यहाँ पर माई फादर हु लेगा, हिज डॉग लेगा विच, बट वी कैन नॉट पुट टू रिलेटिव प्रोनाउन इन वन पर्टिकुलर सेंटेंस. इन दैट केस सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हु और विच वी कैन यूज दैट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस बिकॉज दैट कैन बी यूज फॉर लिविंग नॉन ह्यूमन. दैट जो है वो लिविंग के लिए भी होता है, दैट जो होता है नॉन लिविंग के लिए भी होता है, दैट जो है एनिमल्स के लिए भी हो सकता है. तो इस तरह के सेंटेंसेस में जब आपका आपका लिविंग बींग और एनिमल्स वगैरह साथ दिए हों तो वहां पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग हु और विच हम दैट से भी काम चला सकते हैं, वहां पे दैट यूज होना चाहिए. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. माई फादर एंड हिज डॉग दैट आर यूजली सीन टूगेदर डिड नॉट अटेंड द पार्टी यस्टरडे. तो इस वजह से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर आ गया, दैट इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन. इनडेफिनाइट प्रोनाउन. देखिए इनडेफिनाइट मतलब कोई जब कोई फिक्स नंबर नहीं है, नो फिक्स नंबर मतलब कोई फिक्स नंबर ही नहीं है. इनडेफिनाइट का तो यही मतलब हुआ ना, डेफिनाइट का मतलब जो फिक्स होता है, इनडेफिनाइट जो फिक्स नहीं है. अब देखो ऑल, ऑल क्या है, ऑल कितने ऑल पता ही नहीं है ना, एनी वन, सम वन, ऑल, फ्यू, वन. सो दीज आर कॉल्ड एज इनडेफिनाइट प्रोनाउन. सो रूल सेज माई डियर स्टूडेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग. जब कभी आपका कोई सेंटेंस इनडेफिनाइट प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तो उसके बाद हमेशा ही आप दैट लगाओगे. दिस इज रूल. नाउ सी ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गॉड. अब ऑल क्या हो गया आपका, इनडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया. रूल ये बोलता है कि इनडेफिनाइट प्रोनाउन के बाद आपका हमेशा आप दैट यूज करेंगे, ना कि विच, हु या जो भी अलग टाइप का रिलेटिव प्रोनाउन वो यूज करेंगे, बल्कि दैट यूज होना चाहिए वहां पर. तभी तो आपने कहा सुनी होगी ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है. तो ऑल दैट ग्लिटर्स, तो विच यहाँ पे इनकरेक्ट था क्योंकि क्योंकि आपका इनडेफिनाइट प्रोनाउन के बाद दैट का यूज होता है. सिमिलर एनीवन हु डज नॉट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स कैन नेवर सक्सीड इन हिज लाइफ. एनीवन, अब एनीवन क्या है यहाँ पर, इनडेफिनाइट प्रोनाउन है, और इनडेफिनाइट प्रोनाउन के बाद आप हमेशा दैट का यूज करते हैं, तो इस वजह से हमने हु की बजाय यहाँ पे दैट का यूज करना पड़ेगा. करेक्ट आंसर देखो ये है, एनीवन दैट डज नॉट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स कैन नेवर सक्सीड इन हिज लाइफ. दिस इज द करेक्ट आंसर. ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका. फिर आता है दैट का यूज, एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज और ये भी है कि विद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. मान लो जिन सेंटेंसेस में आप क्वेश्चन को पुट करते हैं वहां पर भी हम दैट का यूज कर लेते हैं. जैसे व्हाट इज देयर, अगर मैं इसकी जगह लिखेंगे यहाँ दिस यूज करता, मान लो व्हाट इज देयर, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर माय फादर, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर माय फादर. अब ये दिस यहाँ पर रॉन्ग हो गया. क्यों रॉन्ग हो गया,
क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप दैट का यूज करते हैं ना कि दिस का यूज करते हैं, तो इस वजह से इनकरेक्ट है. देखिए व्हाई डज शी बिहेव इन सच अ मैनर दैट, अगर मैं यहाँ पे दिस यूज करता हूँ, देखिए व्हाई डज शी बिहेव इन सच मैनर, दिस इज इनटॉलरेबल टू मी, क्योंकि बाद में आपका इंट्रोगेटिव दिया गया है और इस तरह के सेंटेंसेस में आप हमेशा क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं ना कि दिस यूज करते हैं. So I hope this is clear to you. Next example. Why does she teach? How does she teach? This is an interesting matter. Or it is an interesting matter. So मान लो मैं यहाँ पे it use कर लेता हूँ या that this use कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इन दोनों की बजाय क्या आना चाहिए आपका, that आना चाहिए, क्योंकि इस जब आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहां पर हम दैट का यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस इट इनकी वजह दैट यूज करते हैं. सो दिस इज इन केस ऑफ दैट, सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, द सेम हो जाता है, द सच हो जाता है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हो जाता है. सो इन दीज पर्टिकुलर केसेस वी यूज दैट. मूविंग ऑन, हुज, देखिए बेटा हुज जो होता है, हुज ये जो हुज होता है आपका, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और इसको पजेसिव प्रोनाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं. अब पजेसिव एडजेक्टिव कब होगा, अगर हुज के बाद जस्ट आपको कोई नाउन दिया गया है तो वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, और वैसे भी हुज आपका पोजीशन को बताने के लिए, ऑनरशिप को बताने के लिए यूज किया जाता है. जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, हिज फादर इज ए लॉयर, अगर मैं इन सेंटेंसेस को बोलूं कि इन सेंटेंस को जोड़कर आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो अगर मैं बोलूं ही इज माय बेस्ट फ्रेंड हु फादर, हु नहीं आ सकता है क्योंकि पोजीशन बताना है. फादर क्या होगा, नाउन हो गया, नाउन से पहले हमें हुज यूज करना है क्योंकि ये पोजीशन बताने के लिए, क्योंकि हुज हमेशा अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है, और हुज क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा, हुज फादर, तो हु की बजाय क्या आना चाहिए, हुज फादर इज ए लॉयर. I met a boy, his car was parking outside. ये अब दो सेंटेंस हो गए, इनको अगर मैं बोलता हूँ कि जोड़ के एक बनाए तो यहाँ पर भी who incorrect हो गया, तो होना क्या चाहिए, whose car is outside. अब देखें, the girl's whose assignment, assignment noun हो गया और whose वही possessive adjective के केस पे आ गया आपका. Have not been submitted yet, are not allowed to take the exam. एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको मैं, इसी whose को देखें, ये जो whose है इसको आप पजेसिव एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन भी यूज करते हैं. अब मैं दो सेंटेंसेस देता हूँ आपको, उनमें बताता हूँ कैसे मैंने इसको यूज किया है. देखिए एक तो बोलता हूँ, रेज योर हैंड, हुज पेन इज दिस, मतलब अपना हाथ खड़ा करो जिसका ये पेन है, हुज पेन इज दिस. अब देखो पेन क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन से पहले आपका हुज आ गया जो कि पजेसिव एडजेक्टिव को प्लेस किया है, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा अपने एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन होता है, राइट. सो पजेसिव एडजेक्टिव को प्लेस किया गया. सेम सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, रेज योर हैंड, ठीक है, हुज इज दिस पेन, whose is this pen? थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा होगा आपको. देखिए रेज योर हैंड, whose is this pen? अब मैंने इस whose के बाद कोई noun use नहीं किया है, और noun और pronoun इकट्ठे तो आते नहीं है. अब ये जो whose मैंने use किया है, तो यहाँ पे मैंने इसको possessive pronoun की तरह use किया, ठीक है. ऊपर वाले सेंटेंस में whose pen is this, यहाँ पे मैंने whose को एज ए ऑब्जेक्टिव यूज किया है, लेकिन बाद वाले सेंटेंस में मैंने whose is this pen, इस हुज को मैंने एज ए पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज किया है, राइट. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. देखें जब हुज अपने साथ नाउन को लेकर आता है, तो उस टाइम में हुज का यूज एज एडजेक्टिव की तरह होता है. जब हुज अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आता है, सिंपल लेकर आता है, तो उस टाइम उसको पजेसिव प्रोनाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, राइट. मूविंग ऑन, विच. अब नॉर्मली देखो विच किसके लिए यूज कर लेंगे हम, विच नॉन लिविंग को शो करने के लिए यूज कर लेते हैं. जैसे दिस इज वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट विच
has been gifted to me by my father. अब ये जो विच है नॉन लिविंग के लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि गिफ्ट क्या नॉन लिविंग हो गया और गिफ्ट यहाँ पर क्या एंटीसिडेंट है. रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आगे वाला जो वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं एंटीसिडेंट एंड वर्ब शुड अग्री अकॉर्डिंग टू द एंटीसिडेंट. अब देखो गिफ्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज यूज किया हमने. अगर हम यहाँ पे हैव यूज करते विच इज रॉन्ग, हैव यहाँ पे रॉन्ग होता. तो दिस इज वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट विच हैज बीन गिफ्टेड टू मी बाय माय फादर इज द करेक्ट आंसर. द शर्ट विच, अब शर्ट क्या है नॉन लिविंग ही है तो इसके साथ हमने विच यूज कर दिया. तो आई परचेज यस्टरडे इज आउट ऑफ शेप. लेकिन अगर बोलता दिस इज द सेम शर्ट तो द सेम आ जाता है ना वहां पे द सेम. तो फिर हम वहां पे विच यूज नहीं करते, फिर हम वहां पे दैट यूज करते. राइट, दिस द कार विच इज पार्किंग आउटसाइड इज माइन. अब तो विच आगे का कार नॉन लिविंग है. लेकिन अगर मैं बोलता दिस इज द सेम कार, दिस इज द सेम कार विच इज पार्किंग आउटसाइड इज माइन, फिर यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है क्योंकि द सेम आ गया. और द सेम अगर आ जाता है तो वहां पर फिर आप दैट यूज करते. अब यहाँ पे तो द सेम नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे विच इज करेक्ट. तो विच क्या नॉन लिविंग को बताने के लिए यूज किया जाता है. सो नाउ लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज व्हाट. जनरली देखें बेटा जितने भी अभी आपने रिलेटिव प्रोनाउन किए हैं उससे पहले आपको या तो कोई नाउन मिला है या कोई प्रोनाउन मिला है जिसको आप एंटीसिडेंट बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? एंटीसिडेंट. लेकिन व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने साथ कभी भी कोई व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कभी भी अपने साथ कोई भी एंटीसिडेंट नहीं लेकर आता है. यानी व्हाट के साथ कोई भी एंटीसिडेंट यूज नहीं करते हैं. देखें I can understand what you said. अब देखो normally I can understand ये एक phrase हो गया, एक clause हो गया. You said ये second हो गया. इनको दोनों को connect करने के लिए what का use करते हैं. I can understand what you said. अब देखो I can understand what you said. लेकिन what से पहले कोई noun या pronoun नहीं दिया गया है. I can understand what you said. तो जब आपका noun या pronoun नहीं दिया गया है मान लो उस sentence के अंदर antecedent नहीं है तो वहां पर what use करेंगे. लेकिन अगर मान लो यहां मैं ये लिख देता आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू सेड तो यहां पर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो व्हाट भी करेक्ट लग रहा है दैट भी लग रहा है. लेकिन यहां पर व्हाट ही आएगा. रीजन व्हाई, क्योंकि व्हाट हमेशा विदाउट एंटीसिडेंट आता है लेकिन दैट हमेशा अपने साथ एंटीसिडेंट लेकर आता है. ठीक है, देखिए आई कैन अंडरस्टैंड यहां पर एंटीसिडेंट है ही नहीं व्हाट यू सेड तो यहां पर व्हाट ही लगेगा. हम एक दैट का सेंटेंस भी देता हूं. देखो okay just wait, tell me what you said. मतलब मैंने यहां पे किया tell me what you said. क्या यह sentence correct है यहां पे? What, this is incorrect. Why? Because देखो what क्या हो गया, what जो होता है वो एक antecedent. What क्या हो गया आपका? relative pronoun हो गया. लेकिन relative pronoun अगर what है तो अपने साथ antecedent नहीं लेकर आता है. अब me क्या है? मी तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन हो गया. तो ऑब्वियस सी बात है अगर एंटीसिडेंट आ गया तो व्हाट की बजाय यहां पर दैट लगाएंगे हम. तो करेक्ट आंसर बनना चाहिए टेल मी दैट यू सेड, क्योंकि यहां पर एंटीसिडेंट है. अगर एंटीसिडेंट है तो दैट लगाओ, अगर एंटीसिडेंट नहीं है तो व्हाट लगाओ. देखें आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड क्योंकि यहां पर एंटीसिडेंट है ही नहीं, आपका मिसिंग है एंटीसिडेंट तो यहां पर व्हाट लगेगा. You get what you give others. यहां पर भी आपका antecedent है ही नहीं. Okay, so यहां पर what is the correct answer? Whatever has been taught yet is not enough. देखिए whatever has been taught yet not enough. तो यहां पर whatever से भी पहले कोई आपका कोई antecedent नहीं दिया गया है तो इस वजह से भी आप यहां पर what use करेंगे. तो in short my dear student, अगर what से पहले वट क्या करता है? विदाउट एंटीसिडेंट आता है या विदाउट एंटीसिडेंट आता है. ठीक है, वट के साथ कभी भी कोई एंटीसिडेंट नहीं आता है और दैट अगर वहां पर आएगा तो वो अपने साथ एंटीसिडेंट लेकर आएगा. ये फर्क होता है दोनों में.
अब एरर देने वाला क्या करता है, ऐसे एरर दे देता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, गिव मी, ओके, गिव मी एन आंसर, ओके जस्ट वेट, अभी जैसे मैंने बोला था टेल मी व्हाट ही सेड, मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, टेल मी व्हाट ही सेड, अब देखो व्हाट आ गया, लेकिन व्हाट तो अपने साथ एंटीसिडेंट लेकर ही नहीं आता ना, तो यहाँ पर अब एरर क्या है, यहाँ पे व्हाट ना आकर क्या आएगा, दैट आएगा, ओके तो यहाँ पर दैट आएगा क्योंकि यहाँ पे एंटीसिडेंट था। आई कैन टेल दैट यू सेड, आई कैन टेल दैट यू सेड, आई कैन टेल, मैं बता सकता हूं जो तुमने बोला है, आई कैन टेल दैट यू सेड, अब दैट यहाँ पे रॉन्ग हो गया क्योंकि दैट से पहले आपका कोई एंटीसिडेंट नहीं है, तो यहाँ पे व्हाट यू सेड आना चाहिए फिर। तो इन शॉर्ट माय डियर स्टूडेंट, अगर आपका व्हाट है तो व्हाट एंटीसिडेंट लेकर नहीं आएगा, दैट है तो एंटीसिडेंट लेकर आएगा, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज टॉपिक, दिस इज पार्ट नंबर 4 ऑफ प्रोनाउंस। I really believe that you have enjoyed the session and you get to know some useful information about pronoun. So thank you very much and God bless you all. And I would request you again, please, please subscribe my channel, like and share and comment. So thank you very much and God bless you all. Stay happy and blessed. Enjoy your day.